माई से एक्चुअली इंदौर रहते हैं, तो इंदौर की मतलब पर्टिकुलर इंदौर की फेमस है, तो वहां से अभी माई से आए तो काफी चीजें लेके आए जैसे मैं आपको। और मायसा मेरे साथ है किचन में, मायसा हेल्प करवा रहे हैं मतलब सब्जी बनाने में, तो मायसा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस खाना बनाते हैं। तो और आज है सावन का तीसरा सोमवार, ये आ रहे हैं मेरे ननद बायसा मतलब मोनू बायसा, सारे दिन सोए मायसा। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है चैनल राजगढ़ के आज के नए ब्लॉग में। मायसा सुबह तो आए थे ना, और दिन में मतलब खाना वगैरह खा के थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और अभी शाम को अभी जा रहे हैं मायसा मम्मी जी और अक्की, मतलब अक्की को साथ में लेके जा रहे ताकि मैं घर का काम बाकी मतलब आराम से कर सकूँ, रात का जो डिनर वगैरह बनाना है। कहीं मायसा जा रहे हो घुमाई पर? से जाओ काकी साहब मिल पा जा रहे, अभी मायसा जा रहे हैं अपने काकी साहब से मिलने के लिए। और ये जब भी जयपुर आते हैं ना, इनका टूर रहता है कहीं ना कहीं का, क्योंकि सारे रिलेटिव सब जो है वो जयपुर ही रहते हैं। तो काकी साहब के जाके आ रहे हैं। अकी भाई कहाँ जा रहा है तू? दादी साहब के साथ? हाँ भाई मैं तो आर गलती करी है, दादी साहब नहीं मारू, तेरी चप्पल लेके आऊ ना। बाय। अभी टाइम हो रहा है 7:45 के आसपास टाइम हो रहा है, उस टाइम मम्मी जी माई साहब वगैरह सब गए हैं अपने काकी साहब से मिलने, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, तो सोचा कि उनसे मिलाते हैं, तो उनसे मिलने गए। तब तक मैं अभी अक्की को भी साथ लेके गए, तो तब तक मैं मतलब डिनर का सारा देख लेती हूँ, जो भी बचा हुआ काम है जैसे बर्तन वगैरह धोना पूजा वगैरह करना, यह सारा काम जो है वो फटाफट से कर लेती हूँ। मैं सोचूँगी जितना जल्दी हो सके ना काम उतनी जल्दी कर लूँ, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, पूजा भी करनी है और प्लस डिनर का दोनों काम साथ ही है, और साफ सफाई मतलब जैसे बर्तन वगैरह हो गए थे दिन के वो भी करने हैं, अभी मैं लग जाती हूँ काम पे। मायसा एक्चुअली इंदौर रहते हैं, तो इंदौर की नमकीन काफ़ी फेमस है, मतलब जैसे रतलामी सेव भी और ये सब मतलब पर्टिकुलर इंदौर की फेमस है मतलब एमपी में। तो वहाँ से अभी मायसा आए तो काफ़ी चीज़ें लेके आए जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी तरफ की नमकीन जो होती है ना उसमें वेराइटीज़ अलग अलग टाइप की, वो लेके आए मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो मैंने क्या अभी उसे नीचे शिफ्ट कर दिया है, अभी मुझे मैं पूरा निकाल के बाहर सेट कर लेती हूँ, वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ नमकीनें मायसा लेके आए हैं, तो मैं आपको जैसे दिखा दूँ, ये है फ्रूट नट्स एंड सीड्स की, हनी फ्रूट्स नट्स एंड सीड्स, और इसकी डिलीशियस मिलेट्स, और ये है लौंग सी, लौंग का फ्लेवर है उसमें, और ये है रतलामी सेव जो कि फेमस है वहाँ की, और ये फिर से टाटा सॉल्फुल की एक तो ये थी मिलेट ग्रेन्स, और ये है ग्रैनोला फ्रूट एंड नट्स आलमंड एंड क्रैनबेरीज, और दो लाए हैं फराली चिवड़ा मतलब जो व्रत में खा सकते हैं ना वो। साथ ही मायसा लाए हैं मतलब इंदौर के जो मक्के होते हैं काफ़ी मीठे हैं, कहते हैं कि मीठे आते हैं, तो वहाँ से कुछ मेज भी लेके आए, अमेरिकन मेज जिसको बोलते हैं वो भी लेके आए थे, और अभी मैंने इनको सबको बाहर निकाल के फैला दिया है, तो अभी मैं इसे फिर से सेट करती हूँ क्योंकि मुझे और भी काम सारा भी करना है बाकी जो है, तो फटाफट से इन्हें सेट कर देती हूँ पूरे साथ। अभी डिनर के लिए मैंने दाल तो उबालने के लिए चढ़ा दी है, और जब तक ये दाल बॉईल होती है तब तक मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ घर की पूरी। तो दाल बनके हो चुकी है तैयार, और आज थोड़ी ज़्यादा ही पतली हो गई दाल, सोच रही हूँ थोड़ी देर और उबाल लूँ इसे। तो भाई साहब आया साथ, अभी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मायसा मेरे साथ है किचन में, मायसा हेल्प करवा रहे हैं मतलब सब्जी बनाने में, तो मायसा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस खाना बनाते हैं, तो आज पनीर की सब्जी के लिए स्पेशल शेफ आए हैं मायसा, पनीर की सब्जी आज मायसा बनाने वाले हैं।
मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार और आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो अभी मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, मंदिर जाना है मुझे, तो मैंने थाली वगैरह भी तैयार कर ली है, आपको दिखा देती हूँ। ऐसे कुछ खास नहीं, बस जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है वो मैंने तैयार कर ली है। और बाहर हो रही है बारिश, हालांकि इतनी तेज़ नहीं हो रही है बट बारिश हो रही है, तो सोच रही हूँ छत्ता लेके जाऊँ साथ में। अभी मैं निकल जाती हूँ क्योंकि अभी घर का काम भी बाकी है, पहले मंदिर जाके आना है मुझे, तो जस्ट अभी पूजा करके फिर आते हैं। अभी मैं मंदिर जाके वापस आ चुकी हूँ और मैं ले रही हूँ थोड़ा सा, मतलब हल्का फुल्का फलाहारी वाला नाश्ता। और अभी घर पे सिर्फ मैं और मम्मी जी हैं, माई साहब वगैरह सभी गए हैं, उनको थोड़ी सी मेडिसिन लेनी थी जिसकी वजह से वो यहाँ जयपुर आए थे। वहाँ की मेडिसिन ली थी उन्होंने इंदौर की, बट उससे उन्हें इतना फ़र्क नहीं था। तो यहाँ क्या आयुर्वेद की डॉक्टर है बहुत अच्छे, हमारी फैमिली के ज़्यादातर मेम्बर्स उन्हीं को दिखाते हैं अगर कुछ मेजर इश्यू मतलब ऐसा हो। सर्दी जुकाम हो तो ठीक है मेडिकल से या किसी भी कंपाउंडर से या किसी डॉक्टर को दिखा के ले आते हैं, बट ऐसे कोई भी मतलब कि बीमारी को समझ में नहीं आ रही हो या किसी की मेडिसिन का फ़र्क नहीं हो रहा हो तो उन्हीं वेद जी के पास जाते हैं, आयुर्वेद के हैं और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो माई साहब भी आज उन्हीं को दिखाने के लिए गए हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में, आने वाले हैं वैसे तो। और अभी मैं तो मतलब उसी टाइम नहा ली धो ली थी, मम्मी जी नहाने गए और अक्की भी उन्हीं के साथ चला गया, मतलब उसको गाड़ी चाहिए, गाड़ी में प्लस पापा थे उसके, पापा के साथ तो चला जाता है और गाड़ी हो तो फिर बात ही क्या। तो अभी वो सब लोग गए हैं, उन सब के आने का वेट ही हो रहा है। अभी गुड्डू भाई साहब भी आए थे माई साहब के साथ में, माई साहब मम्मी जी के साथ में, लेकिन वो उसी टाइम चले गए थे, 5-10 मिनट रुक के स्टे करके वो चले गए थे, तो उस टाइम मैं वैसा कुछ क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आज ही आ रहे हैं मेरे ननद भाई साहब मतलब मोनू भाई साहब, वो भी आने वाले हैं, अभी तो शायद वो रवाना नहीं हुए क्योंकि सुबह का मतलब पूरा घर का काम वगैरह करके फिर आएंगे। तो आज मोनू भाई साहब भी आने वाले हैं, माई साहब वगैरह भी आए हैं, तो मतलब घर है एकदम मतलब भरा भरा सा, मतलब अच्छा लगता है, मतलब जितने मेम्बर हो ना घर में तो मन अच्छे से लग जाता है। और लाइट भी चली गई है, अभी माई साहब आ चुके हैं दवाई लेके डॉक्टर को दिखा के। तो माई साहब कैसा कह रहा? बस डॉक्टर बताइए एलर्जी हो गई। हाँ। कैसे मतलब नब्ज देख के बताया ना? हाँ। नब्ज देख के सारी बीमारी बता दी। एक महीने की दवाई दी है। अच्छा, इसने बाद में वापस दिखाना है। मेडिसिन कितनी क्या लेके आए तू? एक महीने की बीमारी बोले गुड्डू की हो गई थी सारी। बाईसा का वेट करते हो, काफी टाइम हो गया क्योंकि आज हो रही है बारिश हल्की हल्की, जिसकी वजह से कैब वाले मतलब ड्राइव कंफर्म नहीं कर रहे हैं, तो उनका वेट करते करते अभी 12 बजे से ऊपर टाइम हो चुका है। और अभी आज की कचरे के लिए गाड़ी, तो पहले ही कचरा वगैरह पहले डाल देते हैं और तब तक मोनू भाई साहब शायद आ जाएंगे। कैब उनकी कंफर्म तो हुई है, अभी पता किया फ़ोन करके, तो कैब तो कंफर्म हो गई है, थोड़ी देर में आने वाले होंगे, तब तक जाके सारा जो भी डस्टबिन है वो सारी खाली करके आ जाते हैं। इतनी देर के वेट के बाद अब आए हैं ननद भाई साहब, मोनू भाई साहब, वेलकम। मोनू भाई साहब जगा दिए ताने सो ले, बस सारे दिन सोए माई साहब। चल तो अब खाना वगैरह खाने के बाद अभी टाइम हो चुका है दिन में रेस्ट करने का, तो सभी लोग दिन में अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। और मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।